सोलन जिला प्रशासन वर्षा ऋतु में होने वाली आपदाओं के प्रति गंभीर है और ऐसी परिस्थिति में सभी की सुरक्षा की दृष्टिगत एहतियाती उपाय सुनिश्चित बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने मीडिया से बात करते हुए दी। जिला सोलन उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा कि बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण जान माल की क्षति की संभावना रहती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि राजमार्गों पर भूस्खलन संभावित स्थान चिन्हित कर वहां चेतावनी पट्टी स्थापित की जाए ताकि यात्रियों को समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ऐसे स्थानों पर जेसीबी तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ निर्देशों में जिला के सभी मार्गों को सुचारू रखने का उचित प्रबंध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों सहित संबंध विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों व अन्य संपर्क मार्गों को बहाल रखा जाए और मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में युद्ध स्तर पर कार्य कर इन्हें खोला जाए। इसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को हमारे डायरेक्शन है और साथ में हमारे एसडीएम्स को भी डायरेक्शन है कि कोई ऐसा जैसे ही मामला आता है हमें भी रिपोर्ट करें और एज सून एज पॉसिबल जेसीबी या फिर जो और तरीके की जो भी हेल्प की ज़रूरत है वो लगा के रास्ता क्लियर करें ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। और जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी दरकने के हैं वहाँ पर पीडब्ल्यूडी को और एनएचएआई को ये इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि वो लोग बोर्ड लगाएं कि आगे पहाड़ी गिरने का खतरा है तो थोड़ा सा सावधानी से चलें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।